टेक गुरुकुल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा यूनिट नंबर है 14.4 यूनिट और चैप्टर का नाम आपको पहले से पता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो जैसा ये चैप्टर है इसमें आपको क्या आएगा, क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं 14.4 यूनिट के बारे में बात करूं तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी को पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होता है, फिर भी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। पहली बात, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो पहला आपको आएगा ऑल 90 डिग्री। दूसरा क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो सेकंड, अपोजिट साइड इक्वल। तीसरा होता है अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है, जो लाइन बाद में जाके कभी भी ना मिट हो उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर हम उसे इनफाइनाइट टाइम तक भी एक्सटेंड करें तो क्या होगी, वो कभी जाके मीट नहीं होगी। ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये जो अपोजिट लाइन होती है वो पैरेलल होती है। चौथा, अगर मैं इसके डायगोनल पे आऊं तो दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल से उसके अलावा अगर ये जिस पॉइंट मान लीजिए ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का। तो फिफ्थ, कट इनटू हाफ। तो ये सब आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। अगर मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं तो सब कुछ लगभग सेम होता है, बस एक ही चीज आती है, वो क्या है कि सारे इसके साइड आपस में बराबर होते हैं। इसमें क्या था, आम सिर्फ आमने सामने की जो साइड थी वो बराबर होती थी। अब स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड इक्वल। उसके अलावा वही सेम है, अपोजिट साइड इज पैरेलल। अपोजिट साइड तो सेम होगा क्योंकि सारे साइड सेम है। डायगोनल सेम होता है, डायगोनल आपको कट करता है हाफ पार्ट में, और सारे एंगल की कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। PACA इज अ रेक्टेंगल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये क्या है, PACA एक रेक्टेंगल है और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका रीजन बताना है कि वो क्यों होते हैं। जैसे कि PA इक्वल टू CE, दैट मींस PA इक्वल टू सी, ये साइड के बराबर होता है। तो अब रेक्टेंगल का पहला ही रूल आपको क्या बोलता है कि अपोजिट साइड इज इक्वल। सो इसका आंसर क्या आएगा, अपोजिट साइड इज इक्वल। ध्यान दे यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ रीजन देना है आपको, प्रूफ करके नहीं बताना है कि ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ रीजन बताना है, रीजन क्या है, अपोजिट साइड इज इक्वल। सेकेंड, पीसी इक्वल टू ए। पी सी एक डायगोनल है और ए ई भी एक डायगोनल है। तो क्या पूछा गया है कि पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल के बराबर है कि नहीं। तो रीजन क्या है, रेक्टेंगल में डायगोनल आर सेम। तो आंसर क्या आएगा आपका, रीजन में डायगोनल आर सेम, दैट इज योर रीजन। थर्ड आपका आता है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए क्या है, ये एंगल सी क्या है, ये। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो कोई भी एंगल पूछा जाए तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर सेम। या हम ऐसा भी लिख सकते थे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। एंगल एपीसी, एपीसी दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एंगल सीईए, एंगल सीईए। अब यहां पे आप देखिए, आपसे प्रूफ करने को नहीं बोला गया है, बस आपसे क्या बोला है कि आप ये बताएं कि ये दोनों बराबर क्यों होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये एंगल को इस एंगल से बराबर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से। That means, ये ट्राइंगल को आपको इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या है। अब डायगोनल आपस में मिड पॉइंट पे कट करते हैं, दैट मीन्स ये और ये बराबर होगा पहला। दैट मीन्स
पीओ इक्वल टू पीसी, फिर दूसरा क्या होगा, ओए इक्वल टू ओई, दूसरा भी आपको सेम रहेगा, ओए इक्वल टू ओई, क्योंकि ये भी डायगनल है और मिड पॉइंट पे कट करता है। एंड थर्ड वन, द अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल, सो आपको क्या आएगा, पी ए इक्वल टू सी ई। या नहीं तो आप एक और चीज कर सकते हैं यहां पे, ये क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल है, ये भी सेम है आपका, तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी ए ओ पी इक्वल टू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई। तब ये क्या हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये साइड साइड और एंगल, तो बाई एस ए एस थ्योरम से क्या हो गया, ये ट्रायंगल से प्रूव हो गया, बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ओ सी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया, दिस एंगल एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। तो आपको सिर्फ रीजन में क्या लिखना पड़ेगा, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, सो आंसर इज एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये आपके माइंड में सोचने के लिए है, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने आपको बनाकर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओए इक्वल टू ओई, दैट मीन्स ओए इक्वल टू ओई और ओपी, ओपी इक्वल टू ओसी। अभी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये होता है। आप सभी को एक रूल पहले ही से पता है कि डायगोनल पहले से सेम होता है, तो सपोज दैट इसका डायगोनल क्या था, एक्स था। अब जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल कट होते हैं वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो एक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया एक्स बाई टू, ये क्या हो गया एक्स बाई टू। सिमिलरली ये भी एक्स होगा, अगर ये पूरा एक्स था तो ये भी पूरा एक्स होगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक्स बाई टू और ये बाई एक्स बाई टू हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ओ ए इक्वल टू ओ इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ सी। तो रूल क्या आएगा आपका, सेम डायगोनल कट इन इक्वल पार्ट टू इच अदर, ये आपका रीजन हो गया। एफ पी ओ ए एंगल पी ओ ए दैट मीन्स ये एंगल और एंगल सी ओ ई ये एंगल, ये तो हमने लास्ट में अभी यहां भी प्रूफ किया था, ये भी आपका सेम आंसर आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे ही आप वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेम होते हैं, यही आपका रीजन है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द रेक्टेंगल द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, एक आपके पास रेक्टेंगल है और डायगोनल कैसा है इसका, परपेंडिकुलर है, विल इट बी स्क्वायर गिव रीजन, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, रीजन बताए। पहला आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट पैरेलल लाइन, डायगोनल सेम, कट इनटू हाफ। तो स्क्वायर के क्या रूल होते हैं, स्क्वायर के सेम टू सेम वही रूल होते हैं जो एक रेक्टेंगल के होते हैं, बट उसके अलावा दो चीजें और होती है, पहला एक ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और दूसरा डायगोनल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जो आपके कंडीशन में आप यहां पे पहले से दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल है आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जैसे ही ये 90 डिग्री बनाता है ये स्क्वायर के रूल को फुलफिल कर देता है, इसलिए ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इन अ स्क्वायर वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, यू हैव एन स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर, ऑल साइड इज सेम, इफ इट इज एक्स देन दिस इज एक्स एंड दिस इज आल्सो एक्स एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, यू हैव अ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है इसे निकालना। अब आप यहां पे देखिए ये क्या है, एक 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो 90 डिग्री का क्या रूल होता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, जहां भी 90 डिग्री आए और ट्राइंगल आए तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइट और ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हुआ, जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो पाइथागोरस का रूल कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एच का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, 16 का स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर ऐड करने में डिफिकल्ट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर को मैंगो मानिए, तो क्या होगा, मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो और
मैंगो के बदले क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर लिया था, तो ये टू इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 128, कितना आया आपका 128 आया। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 128 है तो ये स्क्वायर इधर क्या करना पड़ेगा, रूट में जाएगा, तो रूट 128। अब 128 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी आप उसका रूट निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। 2 से डिवाइड करिए, 264, 232, 260, 28, 24, 2, 2, कितने 2 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट मीन्स 7 बार 2 आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये रूल क्या होता है, रूट का, रूट का एक ही रूल होता है कि जो पेयर में होता है उसे हम निकालते हैं, तो ये एक पेयर हो गया, ये दो पेयर हो गया, ये तीन पेयर हो गया, और लास्ट का जो 2 है वो पेयर में नहीं है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो कितने पेयर हो गए टोटल, 3 पेयर हो गए, दैट मीन्स 2 into 2 into 2, और अंदर में रूट 2 बचा ही रह जाएगा, क्या हुआ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, रूट 2 इज योर आंसर, तो क्या आएगा आपका x इक्वल टू 8 root 2, अगर ये x 8 root 2 है तो सारे आंसर आपको क्या आएंगे, सारे साइड आपके 8 root 2 आएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन अ रेक्टेंगल CALM, ये आपका रेक्टेंगल है CALM, CA इक्वल टू 4 centimeter, CA इक्वल टू 4 centimeter, AL इक्वल टू 3 centimeter, AL इक्वल टू 3 centimeter, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल CL, डायगोनल CL और AM, AM, अभी हमें पता है कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो अगर मैं एक डायगोनल CL अगर निकाल दूं तो हमारा काम बन जाएगा, वो आपका सेम दूसरा आंसर भी होगा। अब आप फिगर में देख सकते हैं आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, चारों एंगल, तो जहां भी 90 डिग्री आएगा और एक ट्रायंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है, एंड हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें से ये हाइट है ये बेस है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, आंसर आया 25 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 25, क्योंकि जब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं तो वो रूट बनता है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 5, तो अभी आपको क्या डायगोनल निकल आया, 5 निकल आया, तो आपका आंसर क्या होगा, CL इक्वल टू AM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो आंसर इज इन सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्वेश्चन 5, इन अ रेक्टेंगल KITE, एक रेक्टेंगल बनाते हैं कुछ इस तरह का होगा, KITE, डायगोनल KT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स this one is 13 centimeter and IT equal to, that means IT equal to 5 centimeter. अभी आपको क्या निकालना है, KI, that means this one, KE, that means this one and ET, ET क्या आपका ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर 5 centimeter है तो ये 5 centimeter होगा, तो KE आपसे पूछा गया है क्या, yes आपसे पूछा गया है, तो आपका answer यहीं का यहीं 5 आ गया, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रही बात इसे निकालने की, तो आप देखिए फिर से आपका क्या आएगा, ये 90 डिग्री है तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको कि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहां पे आपको हाइट दी हुई है वो है आपको 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस स्क्वायर आपको पता नहीं है, हाइपोटेनियस स्क्वायर है आपको 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी इधर अलोन करना पड़ेगा, ये 25 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर प्लस में था तो जाके इधर माइनस हो जाएगा,
629 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका आता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी हमें पता है ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो b इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पता है स्क्वायर रूट 144 का तो वो आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर भी है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइज में करिए तो आप आसानी से निकल सकते हैं। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ 2 भी पेयर में है और 3 भी पेयर में है, तो ये सब बाहर निकल के 12 बनाएंगे। बट अगर आप 25 तक स्क्वायर रूट अगर याद रखें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये किसका वैल्यू हुआ, ये इसका वैल्यू हुआ KI का, KI का वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके अलावा आपसे क्या पूछ रहा है, ET, तो अगर ये आपको हो गया 12 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6, ABCD इज ए स्क्वायर, फाइंड x। ये आपका ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, सारे साइड आपके इक्वल होंगे और डायगोनल सेम होगा। यहाँ पे क्या आपको करना है, एंगल x निकालना है। अभी आप देखिए ये एक डायगोनल था DB, बट CE एंड इसका कुछ नाम दे देता हूं E, CE एक डायगोनल नहीं है। तो जो रूल आता है कि इंटरसेक्ट करेगा तो मिड वे में आएगा, जैसे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होता तो 2 सेंटीमीटर हो जाता, तो ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दूसरा क्या है, डायगोनल नहीं है। बट उसके अलावा एक और चीज आप समझ सकते हैं कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये अगर ये एक डायगोनल लो तो ये डायगोनल इस 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये 90 डिग्री और ये डायगोनल यहां से जा रहा है तो ये आएगा 45 डिग्री और ये आएगा 45 डिग्री। ये कैसे होता है आपको दिखाता हूं जस्ट शॉर्टकट में। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो अगर दो साइड किसी ट्रायंगल में आपस में बराबर हो तो अपोजिट साइड आपको इक्वल होती है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा और ये पहले से 90 डिग्री है, तो x का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x 90 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 एंड देन x इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपके समझने के लिए, अगर आप याद रखना चाहे तो बहुत आसान है याद करना, रेक्टेंगल में ये वर्क नहीं करता है, सिर्फ स्क्वायर में वर्क करता है। क्या होता है ये 45 डिग्री होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपके समझने के लिए हुआ, अगर आप याद रखना चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि क्या होता है स्क्वायर में, एक डायगोनल 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपको 45 डिग्री। अभी आपको पता है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर ये 85 है तो ये भी आपका 85 डिग्री होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में ये आपका हो गया 85 डिग्री, ये हो गया आपको 45 डिग्री, तो क्या होता है इस x का वैल्यू, इस x का वैल्यू इस दोनों के एडिशन के बराबर होगा, 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आपका क्या आएगा 90 प्लस 1 दैट इज 130 डिग्री, ये आपका आंसर आएगा। बट मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कि ये बाहर का एंगल इस दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है या किसी और तरह का कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस एंगल को सबसे पहले निकालेंगे, बहुत ही आसान है इसे निकालना, 180 माइनस ये दो एंगल, ये दोनों का एडिशन आता है 130 और अगर मैं 180 से माइनस करूं तो आंसर आता है 50। अब ये दोनों एंगल मिलकर बनाएंगे 180 एंड देन 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle, diagonal PR and QS meet at point 0, O, if OP, that means यहां से लेके यहां तक, आपका वैल्यू क्या है, 2X plus 4, दूसरा OS equal to 3X plus 1, find X and QS, आपको क्या करना है, पहले X का वैल्यू निकालना है और ये QS जो आपका डायगोनल है उसका भी वैल्यू निकालना है। आपको रेक्टेंगल में बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और दोनों को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, दैट मींस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, बहुत ही आसान है। मान लीजिए डायगोनल 4 था तो दोनों डायगोनल 4 था, कट किया तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, दैट मींस ये बराबर ये हो गया, तो हमारा इक्वेशन है
3x + 1 = 2x + 4, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये 2x को मैं इधर ले आऊंगा। क्यों ले आऊंगा? क्योंकि सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आके सॉल्व करना है, जिससे आपका इक्वेशन आसान हो सकता है। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? आप बोलेंगे दो वेरिएबल है, मैं कहूंगा कि एक ही वेरिएबल है। एक जैसे यूनिट को हम एक वेरिएबल ही बोलते हैं, अगर यूनिट अलग अलग हो तो ही हम उसे टू वेरिएबल बोलते हैं। एक तरफ क्यों लाया? क्योंकि जब तक हम एक तरफ नहीं लाएंगे इसका वैल्यू रिड्यूस होके सॉल्व नहीं होगा। उसी तरीके से हमने 1 को इधर भेज दिया, 4 - 1, ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में हो गया 3। तो 3x - 2x = x, तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया x का वैल्यू 3, बट इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके QS बनता है, तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3x + 1, दैट मींस वैल्यू क्या आएगा? 3 × x का वैल्यू क्या है? 3, जो अभी हमने यहां पे निकाला है, प्लस 1, 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10, तो ये पर्टिकुलर का वैल्यू आएगा 10। तो डायगोनल का वैल्यू होगा 10 × 2, दैट मींस 20 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो। सबसे पहले क्या है? एक रेक्टेंगल है हमारे पास, हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है। तो साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 4/5, सो दिस इज नॉट अ एक्चुअल नंबर, सो व्हाट इज एक्चुअल नंबर? दैट इज 4x / 5x, सो दैट मीन्स इफ इट इज 4x, सो इट इज 5x। And what is next? If the perimeter of a rectangle is 90 centimeter, and what is the formula of the perimeter? The formula of perimeter into 2 × L + B. ये हमारा perimeter का formula होता है. Okay? अगर आपको नहीं पता कि perimeter क्या होता है, तो आप अगर सारे side को add कर देंगे, तो वो आपको क्या देगा? Perimeter देगा. तो उसका एक reduced formula है ये 2 × L + B. यहाँ पे L क्या है? 4x और b क्या है? 5x। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, वो क्या है? 90 सेंटीमीटर इंटू 2 × 4x + 5x, दैट मींस 4x + 5x दैट इज 9x, 9x × 2 दैट इज 18x। अब हमें पता है कि x को अलोन करना पड़ेगा x का वैल्यू निकालने के लिए, तो 18 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका वैल्यू आएगा 18 × 5 जा, तो आंसर x का आएगा 5 सेंटीमीटर। बट ये x का वैल्यू है और आपको किसका चाहिए? 5x का वैल्यू चाहिए, तो 5 × 5 दैट मींस 25 सेंटीमीटर, एंड 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स साइड, तो साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कट करना। तो कोई भी ऐसा डायगोनल नहीं है जो आपस में कट ना करे, जैसे चाहे आप रेक्टेंगल ले ले, चाहे स्क्वायर ले ले, कुछ भी ले ले, वो तो बाइसेक्ट एक दूसरे को करते ही है। बट यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर में कोई रूल ना हो, बट जस्ट बाइसेक्ट करे, तो क्या फॉर्मूला आएगा आपको? पैरेललोग्राम आपको आएगा आंसर। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर रोम्बस में जाएं तो क्या होता है, दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। अगर स्क्वायर पे जाएं तो डायगोनल बराबर होते हैं, अगर रेक्टेंगल में जाएं तो डायगोनल बराबर होते हैं। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो आंसर तो वैसे सारे होने चाहिए, बट स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए आंसर है पैरेललोग्राम। दूसरा, आर परपेंडिकुलर bisector to each other, diagonal कैसे होना चाहिए? Perpendicular होने चाहिए, तो perpendicular bisector होने चाहिए, that means ये आपको कहां कहां आया था? ये आपको square में आया था, याद होगा आपको? Rectangle में 90 degree नहीं बनाता है, perpendicular means 90 degree, तो rectangle में नहीं बनाता है, parallelogram में भी नहीं बनाता, एक जगह और बनाता है, आपको याद होगा rhombus में वो 90 degree से cut करता है। तीसरा, R equal, तो डायगोनल आपके इक्वल ना पैरेललोग्राम में होते हैं ना रोम्बस में होते हैं, वो कहां कहां होते हैं? वो सिर्फ आपको
स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होते हैं। इसका आंसर क्या है, जो 90 डिग्री में आपको कट करे वो स्क्वायर एंड रोम्बस, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटर, दे हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आपको क्या होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटर मींस क्या हुआ, जिसके फोर साइड हो, जिनके चारों साइड आपस में बराबर हो, वैसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो आपके पास, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, उसके बाद आपने पढ़ा है स्क्वायर, फिर आपने पढ़ा है रेक्टेंगल। अभी तक आपने यही चार पढ़े हैं। तो अब इसमें चारों साइड किसके बराबर होते थे, एक स्क्वायर का बराबर होता था और एक रोम्बस का बराबर है ना। पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड बराबर है, बट चारों आपस में बराबर नहीं है, सेम आपका रेक्टेंगल के लिए है। तो आंसर आपका क्या आएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। सेकेंड वन, जिसके फोर राइट एंगल हो, फोर राइट एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, इट्स मेक 90 डिग्री। सो वी हैव ओनली टू ऑप्शन, दैट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो पैरेललोग्राम में सारे एंगल होते हैं क्या आपको 90 डिग्री, नहीं। रोम्बस में होते हैं क्या सारे एंगल 90 डिग्री, नहीं। तो आंसर आपका है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स का एक ही मतलब होता है कि अगर इफ ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री देन इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल आपको 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है, दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलैटरल। तो हमने प्रूफ कर दिया। तो कॉन्वेक्स के अलावा एक कॉनकेव भी होता है। कॉनकेव में क्या होता था आपको, कॉनकेव में ये होता था कि कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि अगर ऐसा डायग्राम बनाता मैं एक क्वाड्रिलैटरल का, कोई भी पॉलीगॉन, क्वाड्रिलैटरल भी ले सकते थे पॉलीगॉन भी, यहां पे ये एंगल 180 से ज्यादा है, तो ऐसा साइड आपको क्या कहलाता है, कॉनकेव कहलाता है। बट रेक्टेंगल में क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर है और कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, सारे 180 डिग्री से नीचे है। तो ये किसका इक्वेशन होता है, ये एक कॉनकेव का इक्वेशन होता है। सो रेक्टेंगल इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल, इट्स ट्रू। आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री व्हिच इज follow the rule of the convex quadrilateral, so it is convex quadrilateral, that's all। I hope आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।